यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। तो क्या संजय निषाद को कोई आश्वासन मिला है निषाद वोटों के आरक्षण को लेकर? हम आपको भीतर की खबर ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बीएसपी अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर ले रही है, और वो भी ब्राह्मणों के बहाने। और आखिर में ये भी देखिए कि कैसे केशव मौर्य अखिलेश यादव को जाली टोपी और लाल टोपी के बहाने निशाने पर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक, और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पिछले दिनों लखनऊ में निषादों की एक बड़ी रैली हुई। निषाद पार्टी ने इस रैली को किया था, जिसमें अमित शाह आए थे और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन रैली में आरक्षण नहीं मिलने या फिर रैली में आरक्षण का ऐलान नहीं होने से नाराजगी दिखाई दी। यह आरक्षण दलितों के कोटे में चाहते हैं। इसकी नाराजगी का असर यह रहा कि बीजेपी और खासकर निषाद पार्टी के भीतर एक तरीके की ये विमर्श इस वक्त चल रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कुछ ना कुछ करना होगा। करना होगा का मतलब बीजेपी को इसमें कोई ना कोई स्टैंड लेना होगा, कोई ना कोई नई बात कहनी होगी, और तभी निषाद वोट बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा, अन्यथा जितनी नाराजगी है वो चुनाव में दिखाई दे सकती है। एक तरफ बीजेपी और निषाद पार्टी इस बात को लेकर डरी हुई है कि कहीं चुनाव में उनका ये वोट खिसक न जाए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी निषाद नेताओं को लगातार अपने पार्टी में ज्वाइन करा रही है। एक बात निकल कर सामने आई कि इस मामले पर कुछ न कुछ चल रहा है। चर्चा यह है कि योगी सरकार निषादों के आरक्षण के मामले पर अब सीधे सीधे केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख सकती है कि जल्द से जल्द इन जातियों को दिल्ली और दूसरे राज्यों के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी टाइटल के आधार पर इन्हें भी उसमें जगह दी जाए। चर्चा यह है कि इस मामले में जल्द ही कोई फैसला सरकार की तरफ से हो सकता है या सरकार केंद्र को ऐसा प्रस्ताव भेज सकती है। इस वक्त संजय निषाद दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार इस मामले पर लगे हैं कि बीजेपी इस मामले में कुछ ना कुछ करे, क्योंकि गुस्से को रोकना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और नंबर दो के नेता सतीश चंद्र मिश्रा अब सीधे सीधे बीजेपी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी अभी तक बीएसपी के इस हमले से बची हुई थी और माना यह जा रहा था कि बीएसपी अपने तरफ से सीधे तौर पर तीखा हमला नहीं करती, लेकिन अब सतीश चंद्र मिश्रा योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही शब्दों से नवाज रहे हैं। सनातन विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, ब्राह्मण विरोधी तक करार दे रहे हैं। लगातार अपनी सभाओं में सतीश चंद्र मिश्रा योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर ले रहे हैं और लगातार उन्हें ब्राह्मण विरोधी, सनातन विरोधी जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। आज सतीश चंद्र मिश्रा मिर्जापुर में थे और मिर्जापुर में माता के मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। अब बसपा का तीखा हमला बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। जो अभी की सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये किसानों के विरोधी सरकार है, महिलाओं के विरोधी सरकार है, महिलाओं का हर दो घंटे में एक बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके और व्यापारी और मजदूर बेरोजगार सब परेशान है और सब याद कर रहे हैं बहन मायती जी की सरकार को, जिसमें भाईचारा था, सबकी देखभाल होती थी, सब लोगों को तरक्की हो रही थी। और अब की बार इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर हमलों का दौर जारी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईटी रेड, योगी उपयोगी अनुपयोगी के मामले पर उन पर हमला बोला, अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कुछ उसी अंदाज में अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। साफ तौर पर केशव मौर्य ने कहा कि जो लोग जाली टोपी लगाकर घूमते थे वो इन दिनों लाल टोपी लगाकर घूम रहे हैं, और ये जाली टोपी
उनके पॉकेट में है लेकिन सिर पर लाल टोपी है। प्रयागराज में उनके कहने का सीधा मतलब अतीक अहमद की तरफ जाता है, लेकिन इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण भी दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं केशव मौर्य, सुन लीजिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी को मैं समझ सकता हूं, वो बड़ी बेताबी के साथ इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। लेकिन गांव की जनता, नगर की जनता जानती है, हम आप यहाँ पर खड़े हैं, हम आप तो एक दूसरे को जानते हैं, तो वह देख करके जो अभी से डराने धमकाने लगे हैं, तो मुझे लगता है 2022 में वो 2017 का भी आंकड़ा बचा करके रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसमें भी मुझे शंका लगती है। बहरहाल अब अखिलेश यादव की बारी है। कल अखिलेश यादव मैनपुरी से अपने रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये उनका होम टाउन है, यानी कि होम टाउन नहीं बल्कि उनका अपना इलाका है मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा। और कल जब वो वहां से यात्रा शुरू करेंगे तो कई बातों के जवाब भी देंगे। तो ये था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।